9 जून को जम्मू के रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। रियासी के बाद आतंकियों के निशाने पर दोड़ा और कठुआ आया। हालांकि हमारी अलर्ट भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर लिया है, वहीं कुछ आतंकियों की अभी भी तलाश जारी है और इसके लिए कई जगहों पर सुरक्षा सेना ने सर्च ऑपरेशन जारी किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में 9 जून को रियासी के हमले के बाद और कौन से हमले हुए हैं और क्या क्या हुआ है। मैं हूं लता शर्मा आपके साथ। न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले 11 जून मंगलवार के दिन कठुआ की हीरा नगर इस इलाके में आतंकियों ने हमला किया था। वहां अगले दिन बुधवार तक सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चली, जिसमें 2 आतंकी मारे गए और 1 जवान शहीद हो गया। कठुआ जिले में हीरा नगर सेक्टर के गांव सैदा सुखल में एक व्यक्ति ने घर से पीने का पानी मांगा था। उसे और उसके साथी को बाहर का संदिग्ध व्यक्ति मानकर लोगों ने सुरक्षा बलों को इन दोनों की जानकारी दी। जानकारी मिलने के तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा बल ने मौके पर पहुंचकर घेरबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिस घर से पानी मांगा था आतंकी ने, उस घर पर हमला कर दिया हथगोले से। तभी वहां पहुंचे सुरक्षा बलों की ओर से की गई फायरिंग में एक आतंकी ढेर हो गया, लेकिन उसका एक साथी भाग गया, जिसका पीछा करने के बाद रात भर और सुबह भी मुठभेड़ चालू रही, जहां भागते आतंकी ने एक DIG के गाड़ी पर फायरिंग की। इस फायरिंग में सिर्फ उनकी गाड़ी पर गोली लगी, अधिकारी और उनके जवान सुरक्षित रहे। कठुआ में हुई इस मुठभेड़ में CRPF का एक जवान शहीद भी हो गया। शहीद जवान की पहचान 121 बटालियन के कांस्टेबल कबीर दास के रूप में हुई है। सर जी 7:30-8 की बात है, मेरे को छोटे लड़के ने बताया कि इधर कोई बंदूक लेके घूम रहा है। मैं बाइक पे आ रहा था तो मैंने उतर के देखा, जब देखा तो 2 लड़के घूम रहे थे 24-25 साल के, उनके काले कपड़े थे, ड्रेस पहनी थी, बैग था, राइफल थी AK-47। पहले मैंने AK-47 ध्यान नहीं किया, तो जब मैंने ध्यान से देखा ऐसे करके AK-47 ऐसे साइड भी थी थोड़ी, तो मेरे को बोलते भाई इधर आ मेरी बात सुन। मैंने बोला, मैंने देख लिया, फिर मैं समझ गया मिलेंड है, फिर मैं उधर से पीछे आ गया। मेरे को बोले भाई बात तो सुन, मुझको पानी पिला दे, प्यास लगी है, बात तो सुन ले। मैं आ गया, मैं थोड़ी दूर चौंक था, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, तो मैंने उनको जोर से चलाया, भाई बच्चों अंदर बढ़ जाओ, घुस जाओ, मिलेंड आ गए हैं। बस वो 2 मिनट का फासला पड़ा, लोग अंदर घुस गए, भागे, जब पता चला दुकानें बंद करवा दी, गाड़ी वाले बंद करवा दी जो इधर से जा रहे थे, मैं भाग आ गया, आगे भाग आया, फिर 2 मिनट बाद उधर फायरिंग शुरू कर दी। इसके अलावा आतंकियों ने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात यानी 11-12 जून की रात को जम्मू के दोड़ा जिले के चतरगला इलाके में तीसरा आतंकी हमला किया। आतंकियों ने यहां भारतीय सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट पोस्ट पर हमला किया। ये पोस्ट एक तरीके से इस इलाके में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के लिए अस्थायी ऑपरेटिंग बेस का काम करती है। और फिर हमले के तत्काल बाद ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर कर एनकाउंटर शुरू कर दिया। डोडा एनकाउंटर में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में शुरू है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में इन आतंकी हमलों के बढ़ने की वजह क्या है। पहला कारण जो समझ में आता है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में शांति और डेवलपमेंट लगातार हो रही है, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों को शांति और लगातार विकसित हो रही जम्मू कश्मीर हजम नहीं हो रही। और दूसरी वजह है लोकसभा चुनाव। जब इस बार लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हुई और इस वजह से भी ISI को ये देखा नहीं गया, और इसलिए ये सारे जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो उनकी बौखलाहट का एक नतीजा है। खैर, हमारे चैनल को देखते रहिए, न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।